तो सबसे बढ़िया नेक बैंड्स जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2000 के प्राइस पे मिलती हैं। देखो अब 2000 के नेक बैंड में ना जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी वो बिल्कुल ही सेम होती हैं जो कि हमें 1000 या फिर 1500 के नेक बैंड के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन हर एक चीज की जो क्वालिटी है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हर एक चीज को डिस्कस करते हैं एंड ये देखते हैं कि बेस के लिए कौन सा नेक बैंड बेस्ट रहेगा, कॉलिंग के लिए एंड इसी के साथ ऑलराउंडर जिसके अंदर हर एक एस्पेक्ट सबसे कमाल का मिल रहा हो वो नेक बैंड कौन सा है। आपने सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड एंजॉय द वीडियो। तो अपनी वीडियो का जो सबसे पहले नेक बैंड है वो है ओप्पो के एनको M32। देखो इसकी रेटिंग्स को चेक करें ना तो 25,000 के आसपास इसकी अमेज़न के ऊपर हमें रेटिंग्स मिल जाती हैं एंड इनका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 1800 रुपीज। 10 mm के टाइटेनियम प्लेटेड ड्राइवर्स मिल जाते हैं हमें इसके अंदर, काफी अच्छा ड्राइवर साइज है, मतलब कि डिसेंट है। इससे बड़े ड्राइवर साइज भी हमें इस ब्रेड के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी नेक बैंड के अंदर अगर इससे कम का ड्राइवर साइज दिया गया ना फिर वो चीज हमने बाय नहीं करनी, कम से कम 10 mm का ड्राइवर साइज होना चाहिए। दोनों ऑडियो कोडेक्स मिल जाते हैं AAC एंड SPC एंड इसी बजट के अंदर जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडेक्स मिल जाते हैं ना वो यही वाले होते हैं। AI नॉइस कैंसिलेशन के साथ ही ENC एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन की सपोर्ट मिल जाती है हमें। ब्लूटूथ का 5.0 वर्जन दिया गया है, IP55 रेटिंग एंड इसके अंदर हमें टोटल जो बैटरी बैकअप मिल जाता है दैट इज 28 आवर्स। 220 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ही फास्ट चार्जिंग को ये वाले नेक बैंड सपोर्ट करते हैं। 10 मिनट चार्ज करने पे पूरे 20 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाएगा एंड सिर्फ 35 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाते हैं टाइप सी केबल। इसके जो बड्स है ना वो मैग्नेटिक बड्स हैं, पावर ऑन एंड ऑफ हो जाती है उससे एंड स्पेसिफिकली बेस लवर्स के लिए ना ये वाले नेक बैंड हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इसके अंदर जो हमें बेस मिल जाती है ना वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है एंड एकदम ही क्लियर वोकल्स के साथ। डुअल डिवाइस के साथ ही हमें क्विक स्विचिंग की सपोर्ट मिल जाती है। ऑल इन ऑल एवर से के अच्छे नेक बैंड है, इस पैरेट के अंदर बहुत ही ज्यादा सेल होते हैं, गो फॉर इट। इसका जो बेस्ट पाइलिंग का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले आगे JBL के JBL ट्यून 215 BT। अब देखो इनका जो डिजाइन है ना वो हाफ इन ईयर डिजाइन वाले नेक बैंड्स है। अगर आपको हाफ इन ईयर डिजाइन अच्छा लगता है ना तो ये आपके लिए वन ऑफ दी परफेक्ट ऑप्शन रहेंगे 2000 के बजट के अंदर। इसकी रेटिंग्स उससे भी ज्यादा बढ़िया है, जो हमने ओप्पो वाले नेक बैंड देखे ना उससे ज्यादा बढ़िया रेटिंग्स मिल जाती है 30,000 से भी ज्यादा की। 1500 रुपए इसका करंट प्राइस है, 12.5 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, SPC AAC ऑडियो कोडेक्स हो गए, ब्लूटूथ का वर्जन मिल जाएगा हमें 5.0 एंड इसकी जो टोटल बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 16 आवर्स। 130 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ही 10 मिनट चार्ज करने पे 1.5 घंटे तक का म्यूजिक प्ले टाइम मिल जाता हमें। टाइप सी चार्जिंग अराउंड 2 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाती है। देखो हाफ इन डिजाइन होने के कारण ना इसके अंदर हमें मैग्नेटिक ईयरबड्स नहीं मिलते, नॉन मैग्नेटिक ईयरबड्स के साथ ही इसके अंदर जो हमें साउंड एंड बेस मिल जाता ना वो एकदम ही बैलेंस ही है। देखो बहुत ही ओवर पंची बेस नहीं मैं कह सकता, नॉर्मल सी बेस मिल जाती है हमें इसके अंदर, बट इसकी जो कॉल क्वालिटी है ना वो काइंड ऑफ एवरेज ही है स्पेशली इन नॉइसी कंडीशन। डुअल डिवाइस पेयरिंग को भी सपोर्ट करते हैं तो ये वाले नेक बैंड भी आपके लिए ओवरऑल काफी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। JBL की जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है ना वो काफी अच्छी है। ओके नेक्स्ट इज Realme Buds Wireless 3। इसकी रेटिंग्स की बात करें तो 62,000 के करीब इसकी रेटिंग्स मिल जाती हैं, 1800 रुपए इसका करंट प्राइस है, 13.6 mm का ड्राइवर साइज मिल जाएगा। देखो इस पैरेट के अंदर ना दूसरे ऐसे कोई भी नेक बैंड नहीं है जिसके अंदर हमें इससे बड़ा ड्राइवर साइज मिल रहा हो। इसके साथ इसकी बेस एंड इसकी जो म्यूजिक की क्वालिटी है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों ऑडियो कोडेक्स के साथ ही ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की सपोर्ट मिल जाती है 30 dB तक एंड उसी के साथ ही ENC को भी सपोर्ट करते हैं, दोनों की सपोर्ट मिल जाएगी आपको इसके अंदर। 45 ms तक की लेटेंसी है एंड ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन है 5.3, IP55 रेटिंग, 40 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 10 मिनट चार्ज करने पे 25 घंटे तक का प्ले टाइम हमें इसके अंदर दिया गया फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ। मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं एंड इसके अंदर ना हमें हर एक चीज एकदम ही बढ़िया मिल जाती है, चाहे उसकी कॉल क्वालिटी हो एंड चाहे फिर म्यूजिक की बात कर लें। बेस इसकी एकदम ही पावरफुल है, पंची बेस वाले नेकबैंड्स हैं ये, डुअल डिवाइस कनेक्शन के साथ ही गूगल फास्ट पेयरिंग एंड इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं साउंड मोड्स को। ऑल इन ऑल आई वुड से कि ये वाले जो नेकबैंड है ना वो टोटली ऑलराउंडर है, आप इसके ऊपर कुछ भी करोगे ना आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, गो फॉर इट। अगले आगे बोट रॉकर्स 330 Pro विद ब्रेडेड केबल, 25,000 के आसपास इसकी रेटिंग्स मिल जाती है, 1800 रुपए इसका करंट प्राइस है, 10 mm का ड्राइवर साइज, दोनों ऑडियो कोडेक्स के साथ ही ENC की सपोर्ट मिल जाएगी, लो लेटेंसी को भी सपोर्ट करते हैं, ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन है, IPX5 रेटिंग के साथ ही 60 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाएगा एट 60% वॉल्यूम, 150 mAh की बैटरी कैपेसिटी होगी, 10 मिनट चार्ज करोगे 20 घंटे तक का म्यूजिक प्ले टाइम मिल जाएगा। मैग्नेटिक ईयरबड्स मिल जाते हैं विद ईयर हुक्स, बेस क्वालिटीज की एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल है, ओवर पंची बेस में से कह सकता हूँ। वोकल्स एंड ट्रेबल्स की बात करें तो वो नॉर्मल है बट बेस इसकी ओवर पंची है। डुअल डिवाइस पेयरिंग के साथ ही इसके अंदर हमें 20 मोड दिया गया गेमिंग के लिए।
तो अगर आपने गेमिंग करनी है फिर बीस मोड को ऑन कर लो, लो लेटेंसी के साथ आपको बिल्कुल भी लैग नहीं फील होगा, तो इसे भी आपने जरूर कंसिडर करना है। अब बात करते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो इस परेड के सबसे बेहतरीन नेकबैंड रहेंगे आपके लिए, OnePlus के बुलेट्स वायरलेस Z2। अराउंड 2200-2300 के अंदर हमें मिल जाते हैं। 12.4 mm का डाइवर साइज है, काफी बड़ा डाइवर साइज है इसके अंदर। दोनों ऑडियो कोडेक्स प्रेजेंट है एंड दोनों नॉइस कैंसिलेशन की सपोर्ट मिल जाती है, ANC एंड ENC। ANC मिल जाएगी हाइब्रिड 45 dB तक। ब्लूटूथ का 5.0 वर्जन है, IP55 रेटिंग एंड इसके अंदर हमें 28 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया है। 220 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ही 10 मिनट चार्ज करोगे तो 20 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ। इसके अंदर हमें 3 माइक्स दे रखे हैं विद AI पावर्ड नॉइस कैंसिलेशन। गूगल की फास्ट पेयरिंग को भी सपोर्ट करते हैं। मैग्नेटिक ईयरबड्स मिल जाते हैं विद मैग्नेटिक कंट्रोल। तो ये वाले जो नेकबैंड है ना वो एक्चुअल में इतने बढ़िया हैं कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके इसे बाय कर सकते हो। एंड सभी की जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखो एकदम ही सिंपल चीज़ है, अगर आपको नेकबैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, फिर OnePlus के जो नेकबैंड है वो आपके लिए दी परफेक्ट ऑप्शन रहेंगे। बट ऐसा नहीं है कि बाकी सारे नेकबैंड अच्छे नहीं है, वो भी एकदम दी बेस्ट है, आप उनमें से भी किसी को भी बाय कर सकते हो। आफ्टर दिस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है ना तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।